चलो हेलो एवरीवन आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रॉमिसेस एंड देन वी विल स्टार्ट दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओके सो प्रॉमिसेस के लिए सबसे पहले मैं बीएस कोड ओपन कर लेते हैं बैकग्राउंड में सीडी स्पेस्टेस कोड प्रॉमिसेस ओके सो व्हाट आर द प्रोमिसेस एक एनोलॉजी देखते है गेस मैंने भी किसी यूट्यूब में ही देखा था ये एनोलॉजी बट आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल यू लाइक एक्सप्लेन दैट टॉपिक तो एनोलॉजी ये है कि आप में से कोई एक पर्सन ले लेते हैं तेजस ठीक है? तेजस का एग्जांपल लेते है. तो वो तेजस गर्लफ्रेंड का, का आज बर्थडे है ठीक है तेजस की गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे है एंड काफी अच्छे ओकेजन पे उसके गर्लफ्रेंड का बर्थडे सो व्हाट तेजस इज प्लानिंग ठीक है व्हाट तेजस इज प्लानिंग वो तीन चीजें प्लान कर रहा है एक तो उसको डिजाइनर ड्रेस देने का ठीक है एक उसको डिजाइनर ड्रेस देने का दूसरा उसके लिए एक ऐसा बारबी वाला केक ठीक है बारबी केक और तीसरा प्रॉमिस उसने तीसरा मतलब चीज वो देख रहा है कि एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ठीक है सरप्राइज बर्थडे पार्टी ठीक है ये सारी चीजें वो आ, मतलब प्लान कर रहे हैं का, मतलब वो गर्लफ्रेंड इज नॉट डिमांडिंग बट ही इज डूइंग इट फ्रॉम ओके Uh, तो कैसा है कि ये तीनों चीजें करने के लिए वो आज सुबह भी इन्फॉर्मेशन uh, मतलब, uh, um, uh, निकाली और दस बजे के आसपास वो घर से बाहर निकला ड्रेस वाले को जब उसने uh, पूछा ठीक है ड्रेस का जो एस्टिमेट है वो अराउंड एट आवर्स का टाइम लगता, लगता है ड्रेस बनाने के लिए ठीक है केक बनाने के लिए ऑलमोस्ट थ्री आवर्स का टाइम लग रहा है ठीक है केक बनाने के लिए ऑलमोस्ट थ्री आवर्स का टाइम लग रहा है ठीक है एंड ही इज लिविंग इन लाइक लाइक ड्राई ड्राई सिटी वर्धा ठीक तो वहां पर uh, लीकर्स अवेलेबल नहीं है कुछ ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं है तो उसको नागपुर से ड्रिंक्स लेकर आना है तो टू आवर्स का उसका भी टाइम लग रहा है ठीक तो है सो तो ऐसे तो तीन चीजें है इस यहाँ पर ठीक है जो वो प्लान कर रहा है और ये तीनों चीजें का जो एस्टिमेटेड टाइम है टू कंप्लीट बहुत ज्यादा है ठीक है बहुत ज्यादा है और बट ये पूरे दिन भर में पॉसिबल है लेट से अगर ये अकेला तेजस ठीक है ये तेजस अगर अकेला जाता है तो 8 प्लस 3 प्लस 2 ठीक है 8 प्लस 2 10 3 हाँ, 13 आवर्स हो जाते हैं गाइस 13 आवर्स का टाइम लग सकता है अगर ये सारी की सारी चीजें अकेला ही मैनेज करने का अगर प्लान करता है तो ठीक सो यहाँ पर ये क्या कर सकता है ये ये सारी चीजें डेलीगेट कर सकता है किसी एक पर्सन को या फिर जो लोग ये काम लेते हैं ठीक है थीके? उन लोगों को ही डेलीगेट कर सकता है सो व्हाट ही हैज डन वो ड्रेस वाले के पास गया ठीक है सबसे पहले ड्रेस वाले के पास गया दस बजे के आसपास पास दस बजे उसके पास पहुंचने के बाद उसने क्या बोला कि आप एक काम करो एडवांस दे दो कुछ ठीक है इसने ये ड्रेस वाले पर्सन को बोला कि आप एडवांस दे दो ठीक एडवांस देने के बाद यू कैन लाइक मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ड्रेस रेडी हो जाएगा वैसे ही बारबी केक बनाने के लिए वो अपना जो है शबाना बेकरी गया शबाना बेकरी में आ, उसको भी ऑर्डर दे दिया एंड वहां पर क्या क्या कैसे कितने फिट का अगर बनाना है एक, एक टोकन दे दिया इसको कि आप एक काम करो जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तब आप इसको लेकर जा सकते हो तो इसका टाइम वहां पर वेस्ट नहीं हुआ इस वेट करने का ठीक ये क्या किया यहाँ पे ऑर्डर दे दिया यहाँ पर भी ऑर्डर दे दिया एंड थर्ड वन सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए इसने बोला जोमैटो के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया जोमैटो को बोला कि एक काम करो मुझे लेकर चाहिए तो शाम के चार बजे के आसपास अगर आप ऑर्डर कर देंगे तो भी उसको मिल जाएगा तो जोमैटो ने भी इसको क्या दे दिया टोकन दे दिया टोकन देने के बाद इसको बोला कि आप अपना अभी प्लान कर सकते हो फिर बाद में वो अपने गर्लफ्रेंड को लेने के लिए जाने का जो भी प्रोग्राम है वो सारी चीजें करें द थिंग इज कि यहाँ पर जैसे ही ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती मतलब पर्टिकुलर ये टास्क कंप्लीट होता है जैसे ड्रेस डिजाइन का तो फिर ये ड्रेस का, ड्रेस का का जो टोकन दिया हुआ है उसने वो लेकर वापस आ जाता है यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर चीज भी लेकर वापस आ जाता है कौन सा बारबी बारबी केक एंड द थर्ड वन इज लीकर वगैरह का जो भी है या फिर पार्टीज के लिए जो भी खाने पीने का प्रोग्राम है वो सारी चीजें नहीं क्या वो ऑर्गेनाइज करके वो भी इन्फॉर्म कर देता है जोमेटो वाले लेकर आ जाते हैं द थिंग इज कि यहाँ पर जो तेजस है या फिर जो रिक्वेस्टर है उसको वेट नहीं करना पड़ रहा है किसी भी चीज के लिए क्यों क्योंकि सभी लोगों ने प्रॉमिस कर दिया था कि हाँ हम लोगों ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है ये लो आपका टोकन और जैसे ही ही चीजें रेडी हो जाएगी वैसे ही आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे तब आप उसको जो करना है ठीक है ये ड्रेस उठा के फेंक के मारना है ये बारबी केक उसके मुंह पे मारना है ठीक है सरप्राइज पार्टी में बॉटल फोड़नी है या फिर दारू पीनी है तो वो सारी चीजें फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है तेजस को क्या करना है वो सब चीजों के साथ राइट बट है, है क्वालिटी आज की डेट का वो बहुत ज्यादा सेव हो जाता है अगर कोई प्रोमिस देकर नीचे वहां पे रहता है तो ठीक कोई प्रोमिस देकर वहां पर उसको बोल देता है फ्री हो जाओ ठीक तो यही सारी चीजें गई प्रोग्रामेटिकली भी हम कर सकते हैं अब प्रोग्रामेटिकली कैसे जब भी ये अब ये सारी चीजें अगर ये खुद का ही इसका ड्रेस का दुकान रहता है केक का केक का दुकान रहता या फिर ये मतलब जो भी है पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करने का उसका खुद का ही रहता सारी चीजें तो ये इसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती गई ठीक बट द थिंग इज ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है ना ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है तो अगर ये सारी चीजें एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है तो ये हो सकता है कि थोड़ा लेट हो थोड़ा जल्दी हो ठीक कहीं पर हो सकता है कि बहुत जल्दी नहीं क्या टास्क परफॉर्म हो जाए कहीं पर थोड़ा सा लेट परफॉर्म हो जाए तो हमें नहीं पता हमें नहीं पता ये इसको पता नहीं है कि ये कब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा बट उसने टोकन दे दिया इसलिए यहाँ पर अभी कैसा है कि उसको प्रॉमिस मिल गया है कि हाँ ही विल गेट दैट के ही विल गेट दैट ड्रेस ही विल गेट दैट जो पार्टी के खाने पीने का चीज है वो सारी चीजें मिल जाएगी ठीक प्रोग्राम में भी ऐसा होता है कि लेट से अगर मैंने ठीक है अब तेजस का रिक्वेस्ट किया कोई चीज कि एच से एफ से फलाना अमाउंट मेरे मोबाइल रिचार्ज के लिए डाल दो ठीक है अमाउंट तो एच से जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा गा फ्रंट एंड पे यहां पर दिखाई नहीं सकता सक्सेस का मैसेज है ना दुकान वाले को सक्सेस का मैसेज दिखाना है वो दिखा ही नहीं सकता क्योंकि वहां से रिस्पॉन्स आने का ही है और जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि आप वहां पर एग्जीक्यूशन के लिए जो भी स्टेटमेंट लिखते हो वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होना चालू हो जाती है आप उसके बाद के कितने भी स्टेटमेंट लिखो ठीक है अगर ये स्टेटमेंट लिखा और यहां पर आपने बोला कि पेमेंट जब तक नहीं आता है ठीक है पेमेंट पेमेंट इनिशिएट करके वहां पर पेमेंट प्रोसीड करो फिर वहां से जब भी रिस्पॉन्स आएगा रिस्पॉन्स आने के बाद आप बोलते हो कि रिस्पॉन्स आने के बाद यहां पर चेक बॉक्स दिखा दो डॉट सक्सेस अगर कुछ आया तो द थिंग इज कि यहां पर एक्चुअली सक्सेस आएगा ही कैसे जब तक ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ स्टेटमेंट और जावाज में क्या होता है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा उसके जस्ट बाद ये वाला लाइन प्रिंट कर देगा और यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा और सक्सेस वाला मैसेज तो कभी आएगा ही नहीं ठीक हो सकता है कि ये थोड़ा लेट रिस्पॉन्स है पर लेट रिस्पॉन्स आएगा तो तब तक ये वेट कैसे करेगा ठीक वही पर प्रमिसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोमिस क्या बोलता है कि आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो और ये पर्टिकुलर प्रोमिस का एक ऑब्जेक्ट ले लो प्रोमिस का ये एक ऑब्जेक्ट ले लो और प्रोमिस का ऑब्जेक्ट लेने के बाद ये बोलता है कि प्रोमिस का ऑब्जेक्ट बता देगा आपको कि कब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ जैसे ही वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तब आप आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो तब आप आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो गाइस जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका एक एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जितने भी कोड्स लिखने हैं आपको लेट से सक्सेस मैसेज दिखाना है फेलियर मैसेज दिखाना है रिचार्ज कंप्लीट एसएमएस भेजना है वो सारी चीजें गाइस आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो अगर आपकी चीजें एक्सटर्नल रिसोर्स की जब भी रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है हो सकता है वो डेटाबेस से डेटा लेकर आना हो हो सकता है वो ए, आ, कोई दूसरा यूआरएल है वहां से कुछ डेटा लेकर आना हो कोई वेब सर्विस के थ्रू डेटा लेकर आना हो तो हमेशा ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल रिसोर्स रिस्पॉन्स आने में अगर टाइम लग रहा है तो आप प्रोमिस का यूज करके उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो और जब भी वो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना है वो वाली चीज एक दूसरे ब्लॉक में रख के आ सकते हो सो so दैट आपका जो असिंक्रोनाइजेशन वाला फीचर है वो वहां पर थोड़ा आ, मतलब सिंक्रोनाइज हो जाए ठीक है एज पर रिक्वायरमेंट ठीक है जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो हम से, सेम एग्जाम्पल लेते हैं ड्रेस ड्रेस केक and, uh, let's say, this, um, party, ड्रेस, केक एंड एंड से दिस पार्टी पार्टी ठीक है ऐसे तीनों promises का ड्रेसाम्पल सेम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोग्रामेटिकली ठीक तो uh, गाइस थोड़ा सा एनालॉजी समझ में आया जस्ट गिव मी कंफर्मेशन बिफोर आई प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिकल एनालॉजी समझ में आई गाइस कि यहाँ पर टाइम सेविंग एंड एग्जीक्यूशन का थोड़ा सा हमें कंसेप्ट समझते हैं ओके फाइन सो लेट्स जम्प इन टू एंड आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिकल कर सकते हो तो कैसे इंडेक्स डॉट जे एस फाइल बनाई है ठीक है हम सिंपली इसको नोट जीएस में रन करेंगे थोड़ा सा फॉर्न पड़ा देते हो जब तक स्पेस है सो फर्स्ट प्रोमिस यहाँ पर हम बनाते हैं फंक्शन का नाम वेरिएबल का नाम रखते हैं एड्रेस ठीक है इक्वल्स टू यहां पर न्यू प्रॉमिस ठीक है एंड न्यू प्रॉमिस क्या बोलता है कि आप मुझे कंस्ट्रक्टर में एक रिजॉल्व एरर का एनोनिमस फंक्शन दे दो ठीक है रिजॉल्व एरर का एनोनिमस फंक्शन दे दो ठीक एंड सेट टाइम आउट ऐसा एक क्योंकि uh, कोई functionality perform करनी है और के बाद वो कुछ uh, execution करना है तो ये ठीक इसका होता होता है पहला function होता है पहला और कितनी देर बाद वो execute होना चाहिए तो हम सेकंड रख देते हैं हमारे हिसाब से जैसे हमारा आठ आवर्स का है उसके जैसा एनोलग uh, हम सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है थीके? फिर बाद में एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए जब भी ठीक है जब भी यहाँ पर आएगा तब एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए तो यहाँ पर हम कर देंगे रिजोल्व एंड योर बोलते ड्रेस इज रेडी ठीक है इतना चीज हो गया बट जैसे ही ये प्रॉमिस स्टार्ट होता है गैस वैसे ही हम एक और मैसेज भी लिख देंगे यहाँ पर ठीक है एक मैसेज लिख देंगे कि ड्रेस बनाना स्टार्ट हो गया ठीक है क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है ओके सेकंड फिर बाद में यहां पर आता है सेकंड प्रॉमिस बनाते हैं हम सेकंड प्रॉमिस रहेगा हमारा केक का ठीक सेकंड प्रॉमिस रहेगा हमारा केक तो यहां पर केक बनाना स्टार्ट हो गया है ओके और केक बनाने में इसको लेट्स से फोर आवर्स का टाइम लगे ओके द फाइनल प्रॉमिस वी आर मेकिंग पार्टी ठीक है पार्टी 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 के लिए अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया है ठीक है के ठीक है तो ये चीज दो घंटे के लिए ठीक तो ऐसे तीन प्रोमिस यहाँ पर मैंने बना दिए गए एंड नाउ यहां पर आते हैं एंड एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं ठीक एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं कैसे नोड स्पेस से इंडेक्स डॉट सो ड्रेस बनाना स्टार्ट हो गया है केक बनाना स्टार्ट हो गया है पार्टी के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया है ठीक है तीनों चीजें एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिए है इसने ठीक बट द थिंग इज द थिंग इज कि ये सब कुछ होने के बाद ये एग्जीक्यूशन तो होना चाहिए ना ठीक है उसको पता तो चलना चाहिए कि ये सब कुछ हो गया है तो ये कैसे पता चलेगा ठीक तो तीनों के प्रोमिस जब भी हो जाएंगे तीनों के प्रोमिस मतलब तीनों का एग्जीक्यूशन जब भी हो जाएगा तब हम चाहते हैं कि जो भी प्रोमिस हमें मिला है उसके बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करे ठीक है उसके बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करे सो वी आर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा ठीक है जो भी रिस्पॉन्स आएगा, आएगा रिजोल्व होने के बाद उसको जस्ट कंसोल डॉट लॉक कर दो ठीक है उसको जस्ट कंसोल डॉट लॉक कर दो ठीक पार्टी का रिस्पॉन्स आने के बाद पार्टी के लिए आ, पार्टी के पहले है एक ओके okay, एंड उसके पहले है हमारा प्रेस ठीक है ऐसे तीन प्रॉमिसस कंप्लीट हो जाने के बाद क्या-क्या होना चाहिए ठीक एग्जीक्यूशन देखो गाइस एग्जीक्यूशन तीनों का एक साथ स्टार्ट हो जाएगा ठीक है एग्जीक्यूशन तीनों का एक साथ स्टार्ट हो जाएगा अभी देखते हैं कैसे होता है ये गया तो एग्जीक्यूशन ड्रेस बनाना स्टार्ट हो गया है देखो पार्टी के लिए सब कुछ रेडी है क्योंकि उसका दो ठीक है दो आवर में ही वो रेडी हो जाता था तो हो गया केक किस रेडी क्योंकि केक फाइव सेकंड्स के बाद हो रहा था एंड ड्रेस इज रेडी सबसे लास्ट में आया जबकि देखो कि ड्रेस का एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बट द थिंग इज कि वो सबसे लास्ट में ठीक है सबसे लास्ट में वो क्या हो रहा है सबसे लास्ट में गाइस वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है भले ही हमने यहाँ पर लिखा ठीक है थर्टी वन नंबर लाइन पे लिखा कि ड्रेस एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या करना है बट फिर भी ये एग्जीक्यूट जब हो गया ठीक है एग्जीक्यूट जब हो गया तब ये लाइन मतलब तब ये लाइन प्रिंट होने लग गई ठीक है द थिंग इज़ कि यहां पर अभी ये मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है वो जैसे जैसे आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे वो प्रिंट होते जा रहा है या फिर मैसेज आपको शो करते जा रहा है ठीक बट अगर ऐसा नहीं करते थे तो क्या होता था कि यहाँ पर ड्रेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता था केक का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता था पार्टी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता था और हमने अगर प्रिंट लिखा होता ठीक है प्रिंट यहाँ पर डायरेक्ट लिखा होता बिना देन के ठीक तो क्या होता था कि ड्रेस इज रेडी ये पहले मैसेज आता था केक इज रेडी फिर बाद में आता था एंड पार्टी पार्टी के लिए सब कुछ रेडी है वो उसके जस्ट बाद में आता था ठीक है बट यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि आप ऑर्डर कैसा भी लिखो जब जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब उसके अंदर की चीजें गई ये प्रिंट या फिर एग्जीक्यूट करेगा ठीक है जब जब प्रोमिस के अंदर की चीजें एग्जीक्यूशन खत्म करेगी तभी उसके देन वाला पार्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा ठीक ये वाला चीज ट्राई करके देखोगे सेम एग्जाम्पल ट्राई करके देखो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ काम करते हैं हाँ अभी ट्राई करो सेम करोगे आपको इतना बड़ा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं यू कैन राइट इट इन वेरी शॉर्ट ठीक है ड्रेस ड्रेस स्टार्टेड ड्रेस डन केक स्टार्टेड केक डन ठीक है पार्टी स्टार्टेड पार्टी डन ऐसा इतना भी लिख सकते हो आप आउट हमने किस लिए यूज किया गया क्योंकि हो सकता है कि ये एक्सटर्नल रिसोर्स हो यहाँ पर एक ऐसा अजैक्स कॉल हो जो डेटाबेस से डेटा लेकर आ रहा हो ठीक है तो वहां से डेटा आने के लिए टाइम लग सकता है तो जब तक वो डेटा नहीं आता तब तक उसके आगे की ऑपरेशन तो फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है टेबल में दिखाना है कंसोल डॉट टेबल में दिखाना है किसी और जगह पर शो करना है तो वो सारे ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं जब वो एग्जीक्यूशन खत्म करेगा यहां पर प्रॉमिस अपना एग्जीक्यूशन जब खत्म करेगा ठीक तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के वजह से हमें पता चल जाता है कि उसके बाद वाली चीजें एग्जीक्यूट करनी है तो जब भी प्रॉमिस प्रॉमिस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा उसके बाद देन में आप अपना आगे का प्रोसेस लिख सकते हो ट्राई करो सेम चीज ग्रेट गाइस सिंपल कंसेप्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को प्रोमिस खुद से बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है प्रोमिस पहले से बने हुए होते हैं आपको सिर्फ उसको यूज करते आना चाहिए ठीक आपको सिर्फ उसको यूज करते आना चाहिए एक एग्जाम्पल देखेंगे हम हाँ, प्रोमिस का जो ऑलरेडी बना हुआ है जैसे ये ड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो वैसे ही सॉरी ड्रेस हमने खुद से बनाया ड्रेस केक और पार्टी नाम का प्रॉमिस वैसे फेस नाम का प्रॉमिस ऑलरेडी बना हुआ है तो फेच क्या बोलता है कि आप मुझे URL दो उसके बाद क्या अवेलेबल है फेच के अंदर। और बाय डिफॉल्ट है आपको उसके लिए सेपरेटली ऐसा कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है थीक? वो एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन सेम चीज हम असिंक अवेट की का यूज करके कैसे एक्सिक्यूट कर सकते सेम चीज ठीक है वहां पर कुछ ऐसा नया नहीं रहेगा मैं दोनों भी टाइप से उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट दिख... मतलब करके दिखा मतलब एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा एक प्रॉमिस देन प्रॉमिस देन का यूज करके सेकंड असिंक अवेट का यूज करते ओके थैंक्स संजना थैंक्स परमानंद थैंक्स सनी शिवम थैंक्स फॉर कंफर्मेशन गाइस ठीक अभी हम सेम चीज क्या करेंगे थैंक्स तेजस अभी हम लोग क्या करेंगे सेम जो एग्जिस्टिंग प्रॉमिस है उसका यूज करेंगे एंड देन सेम मतलब एग्जांपल को फिर ट्राई करेंगे असिंग अवेट कीवर्ड के साथ कोड गाइज मैंने शेयर कर दिया है आपको चैट बॉक्स में ठीक है यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम मैं फाइल भी बाद में शेयर कर दूंगा ठीक है फॉर यूट्यूब द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम फाइल ओके एवरी वन प्लीज पे अटेंशन जिन लोगों का बच्चा है वो लोग भी यहाँ पर अटेंशन पे कीजिए फोकस कीजिए ये अभी तो हमने प्रोमिस खुद से बनाए थे बट कोई ऐसा एग्जिस्टिंग प्रोमिस है क्या यस देर इज अ प्रोमिस जो क्या करता है एक्सटर्नल यू से रिस्पॉन्स लेकर आता है और वहां से रिस्पॉन्स आने के बाद आपको जो काम करना है उस पर आप वो काम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन यू आर एल रेकरेस्ट डॉट इन यहाँ पर डीले का भी ऑप्शन आता है आई एम नॉट श्योर बट शायद है यहाँ पर डीले का ऑप्शन से थ्री सेकंड करते हैं एग्जीक्यूशन तो, ओके okay. तो थोड़ा सा स्लो है ठीक थोड़ा सा लेट वहां से रिस्पॉन्स आता है तो हम क्या करेंगे फेच का यूज करेंगे एंड फेच बोलता है फेच इज अ प्रोमिस ओके फेच फंक्शन इज अ प्रोमिस तो फेच क्या बोलते हैं ये देखो यहाँ पर शो भी कर रहा है इट्स अ न्यू प्रोमिस ओके ऑटो सजेशन में शो कर रहा है तो फेच क्या बोलता है कि मुझे आप कोई भी एक्सटर्नल दो जैसे आप ब्राउजर पे हिट करते हो वैसे मैं जावास्क्रिप्ट में हिट करूंगा उसको और वहां से कोई भी चीज आएगी तो हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वहां से अगर कुछ आया देन क्या करना रिजोल्व करने के पहले उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन से थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं क्योंकि वो सब कुछ स्ट्रिंग में है ओके एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्स तो हम लोग जो भी रिस्पॉन्स है उसको मैं कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करना चाहता हूँ ठीक है जो भी रिस्पॉन्स है उसको कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते गए इस मतलब तो तो यहाँ पर दो दिन है ठीक है दो दिन हाँ।, हाँ पहला रिस्पॉन्स आने के बाद मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ जैसन में एंड देन उसको फिर प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करते गए ठीक है वहां से रिस्पॉन्स आ गया प्रॉपरली रिस्पॉन्स और डेटा के अंदर हमारा डेटा है ठीक है रिस्पॉन्स डेटा के अंदर एक्चुअल डेटा है तो जो ये यह पर दिख रहा है ना यही सेम चीज पर 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 एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हो हो रही है पेज पेज टोटल टोटल पेजेस यही सारी चीजें वहां से लेकिन ये जावा के थ्रू हमने हिट किया है यहाँ पर जो हिट किया था ये हमने ब्राउजर के थ्रू हिट किया था ठीक नाउ यहाँ पर रिस्पॉन्स ऑफ डेटा को प्रिंट करके देखते हैं एंड सिर्फ एग्जैक्टली जो डेटा है ठीक है एरे ऑफ जेसन के फॉर्मेट में दिस वन ये वाला पार्ट से प्रिंट होना चाहिए ठीक है तो ये छह रिकॉर्ड्स वो शो कर रहा है ओके द द सेम सेम थिंग थिंग वी कैन एग्जीक्यूट बाय यूजिंग असिंक अवेट कीवर्ड ठीक है बार बार हमें देन यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा देन ही हो जाते हैं तो फिर बाद में लोगों को कंफ्यूजन होता है ठीक है लोगों के साथ सॉर्टेड चीजें चाहिए वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन तो हम क्या करेंगे यहां पर इस एग्जिस्टिंग कोड को पहले कमेंट कर देते हैं एंड लेट्स से फेच ठीक है फेच फंक्शन को कॉल करेंगे हाँ और उसका जो भी आउटपुट है ठीक है वैर डेटा में वो आउटपुट स्टोर करके रखेंगे डेटा की जगह रिस्पॉन्स रहते हैं ठीक है ठीके? और कंसोल डॉट लॉग

अचानक से प्रिंट होगी, ठीक है? Exactly, जैसे इसका भी स्टार्ट हो, गया, तभी ये हो and इसने कुछ भी वेट नहीं किया कि से तो चीज कैसे हैंडल कर सकते हैं हम ठीक उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते वी कैन यूज द की वर्ड अवेट ठीक है वी कैन यूज द कीवर्ड अवेट ठीक है अवेट से क्या होगा कि ये जो है वो थ्री सेकंडल ठीक है रोक के रखेगा ठीक है थ्री सेकंड तक ये वाले स्टेटमेंट को रोक के रखेगा जैसा अलर्ट जो रहता है आपका फंक्शन वो रोक के रखता है एंड उसके बाद ही यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए रिस्पॉन्स वाली ठीक इसको करते हैं सेव लेट्स ट्राई टू हिट इट वन मोर टाइम बट यहां पर एक एरर आ रहा है एक एरर आ रहा है ये बोल रहा है कि अवेट इज ओनली वैलिड इन असिंग फंक्शन कुछ लोग जो जावा बैकग्राउंड से आए हैं आप लोगों ने देखा होगा गाइस अगर मुझे कोई भी चीज अगर फाइल में स्टोर करनी पड़ती है तो सीरियलाइजेबल लिखना पड़ता है किसी भी क्लास को अगर थ्रेड में कन्वर्ट करना है तो एक्सटेंड थ्रेड या फिर इंप्लीमेंट्स रनेबल करना पड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपाइलर को पता चल जाता है उसके अंदर बहुत सारे सीरियलाइजेबल में तो कुछ भी नहीं लिखा रहता है ठीक बट वो कैसा है स्पेशल मीनिंग देता है उस पर्टिकुलर क्लास को उस ब्लॉक को कि कंपाइलेशन के लिए या फिर एग्जीक्यूशन के लिए जब भी ये चीज जाएगी तब उसके लिए सेपरेटली सेपरेटली ट्रीट करे उसको राइट right? सिमिलरली अगर मैंने अवेट यूज किया है ठीक है अवेट यूज किया है और वहां पर एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन स्टार्ट होता है तो ये चाहता है जावास्क्रिप्ट बोलता है कि आप ये चीज स्टैक में एग्जीक्यूट करो एक तरह से फंक्शन के थ्रू

ऐसे किसी uh, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन में रखते हैं ठीक है फंक्शन ठीक है फंक्शन से गेट गेट यूज़र्स यूज़र्स ठीक है नाम के फंक्शन के अंदर हैं ठीक एंड इस फंक्शन का स्पेशल मीनिंग है ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन जैसा फंक्शन नहीं है ये फंक्शन किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के साथ बात करने वाला है और वहां से चीजें लेकर आने वाला है इसीलिए हम कंपाइलर को स्टैक को बता के रख देंगे कि ये फंक्शन अभी नॉर्मल फंक्शन नहीं है इस फंक्शन के अंदर कुछ वेटिंग वाला चीज है तो इसको आप बोल दो असिंक ठीक है की वर्ड के साथ आप इसको प्रेफिक्स दे दो तो अब जो कंपाइलर वगैरह है एग्जीक्यूशन के लिए जो भी इंजन यूज हो रहा है तो वो यहाँ पर अभी रेडी रहेगा ठीक है अंदर की चीज एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहेगा अब क्या होगा इस, इसके जस्ट बाद यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं होगा थ्री सेकंड तक वो वेट करेगा जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता उसी के बाद ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा ये वाली लाइन ठीक तो ये चीज ट्राई करते है ठीक है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा गेट यूजर्स एंड देखते हैं होता है देखो वो वेट कर रहा है ठीक है एग्जीक्यूशन स्टार्ट तो हो गया लेकिन वो वेट कर रहा है जब तक वहां से response नहीं आता है है ठीक बट अर्लियर केस में क्या था जब without asking, await हमने use क्या था, तब ये रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रिंट हो गया था प्रॉपर रिस्पॉन्स आ, आ रहा है उसके बाद ही चीजें हो रही है बट द थिंग इज की रिस्पॉन्स आने के बाद हमें उस रिस्पॉन्स को क्या करना है जेसन में भी कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे इसके और बाद डेटा इक्वल्स टू और बोलेंगे उसको अवेट करो ओके okay, And जो भी response आ रहा है उसको पहले जेसन में कर दो ठीक ठीक है देखते हैं कैसे है? ठीक, वहां से रिस्पॉन्स आएगा इस रिस्पॉन्स आने के बाद यू कैन सी डेटा इज ऑल्सो कमिंग एंड उसके जगह अभी मैं डेटा ऑफ सिर्फ डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ अभी डेटा दिख रहा है एरे ऑफ जेसन जो छह रिकॉर्ड है वही यहाँ पर शो कर रहे हैं ठीक दूसरे पेज का डेटा देखना है तो पेज टू करते हैं पर लास्ट रिकॉर्ड है ट्रेसी का पेज टू पे कुछ और रिकॉर्ड होना चाहिए ट्राई टू रन इट ठीक ठीक है है पेज पे का थीके? तो ये चीज आप लोग भी गाइस ट्राई करके देखो अगर आपको ये चीज फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आती बार बार ये वीडियो देखो ठीक है जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और हर एक चीज का यहाँ पर हर एक कीवर्ड का एक मीनिंग है तो वो सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं होती मतलब बाकी बहुत जगह पर आप उसको यूज करोगे गाइस हमने भी बहुत जगह पर यूज किया है इस सीरीज में ठीक बट उसका एक्चुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए वो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ जाएगा ठीक है ये सेम एग्जाम्पल आप लोग अपने सिस्टम पर ट्राई करोगे एंड देन वी विल स्टार्ट दी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एकमा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड का यूज करके ओके चलो जिन लोगों का गाइज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है ठीक है वो आगे का पार्ट स्किप कर सकते हैं, ठीक है इट्स नॉट कि आपको कंपलसरी है इसके बाद वाला पार्ट बट प्रोमिसेज अगर आपको फर्स्ट uh, टाइम पढ़ रहे थे सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोमिस और कॉल बैक फंक्शन एक डिफरेंट चीज है ठीक है डोंट मिक्स इट अप विथ

ओके थैंक यू सनी आगे का पार्ट थोड़ा वन वे रहेगा गैस ठीक है आप लोग अपना लैपटॉप वगैरह मतलब जहां मोबाइल में देख रहे होंगे तो डायरेक्टली मोबाइल में देखिए लैपटॉप पे देख रहे होंगे तो लैपटॉप पे देखिए आप वी एस कोड वगैरह बंद करके भी रखा तो भी चलेगा ठीक है जस्ट आई वांट ऑल ऑफ योर फोकस शुड बी इन द स्क्रीन ठीक है जहां पर मैं भी बता रहा हूँ एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल आई थिंक

ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट जहां पर ऑब्जेक्ट बना के आप कैसे एग्जीक्यूशन कर सकते हो एंड कोड को रियूज कर सकते हो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ठीक बट बहुत सारे लोगों को एकमा स्क्रिप्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सी द एकमा स्क्रिप्ट इज जस्ट क्या बोल सकते है स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप बोल सकते हैं ठीक है इट्स अ स्टैंडर्ड 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 ठीक है है एक library, आ, मतलब कैसे रहना चाहिए वो सारी चीजें वहां पर लिखी हुई ठीक तो एकमा स्क्रिप्ट में आ, पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा चेंजेस किए जिसकी वजह से कैसे जेक्वेरी का थोड़ा सा मार्केट भी डाउन हो गया है एंड मोस्ट ऑफ दी चीजें इजी वे में आपके जावा के अंदर ही इंक्लूड की गई है ठीक तो एकमा स्क्रिप्ट ने कुछ स्टैंडर्ड बना के दिए जैसे उप के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं तो एकमा स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड बनाने के बाद जावा स्क्रिप्ट में वो सारे के सारी चीजें इंक्लूडेड है एंड जब नोट जीएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे वहां पर भी बहुत सारी चीजें गईस इंप्लीमेंट की गई वो भी एकमा स्क्रिप्ट का यूज करके ठीक है स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड है उसी का यूज करके वो भी चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई ठीक तो आप दोनों जगह पर गई मोस्ट ऑफ दी जो चीजें उसकी स्टैंडर्ड वाली चीजें जो दोनों जगह पर यूज कर सकते हो एक फ्रंट एंड जावास जो होता है और एक बैक एंड नोट जीएस होता है दोनों जगह सेम चीजें गईस एग्जीक्यूशन हो सकती है ठीक है एक मत स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक अब जावास्क्रिप्ट को गई फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी चीजें फंक्शन के थ्रू ही होती है एंड फंक्शन एग्जीक्यूशन मतलब कैसे अगर फंक्शन नहीं भी रहा तो भी एग्जीक्यूट हो जाता है वैसे डायरेक्टली बट द थिंग इज अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना था ऑब्जेक्ट बनाना रहता था पहले तो आपको सिर्फ फंक्शन कीवर्ड का यूज करके ही आप ऑब्जेक्ट बना पाते थे ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं एक एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ एम्प्लॉय जिसके अंदर रहेगा लेट से, उसका ई एम पी आई डी ई एम पी आई डी की जगह सिर्फ आई डी रखते एंड नेम एंड सैलरी ठीक है ये तीन चीजें मैं चाहता हूं कि उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर रहे ठीक नेम शॉर्ट में लिख देते salary. तो मैं फंक्शन का ही यूज करके ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकता था पहले ठीक for example var uh, let's say e obj e object okay and new employee ठीक है new employee and इसको print करके देखते हैं guys console dot log e obj ठीक save करते हैं इसको and then ठीक है वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया ठीक और फिर अगर आपको इसके अंदर अगर कोई फंक्शन बनाना है ठीक है इसके अंदर अगर कोई फंक्शन बनाना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो ठीक है मैं ठीक है ऑब्जेक्ट तो बन गया अब ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि एक फंक्शन के थ्रू शो करे ठीक तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर यहाँ पर एक हमें पावरफुल फीचर दिया है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हम किसी भी फंक्शन को वेरिएबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट ओके शो डिटेल्स ठीक है वैसे लेट से दिस डॉट शो डिटेल्स इक्वल्स टू यहाँ पर फैट एरो एंड यहाँ पर कर देते कंसोल डॉट लॉग ठीक सेव details. Details. करते हैं इट्स ट्राई टू एक्टिव ओके तो एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है अब उसके अंदर का फंक्शन मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है इसको कमेंट कर देता हूं मैं मतलब फंक्शन बना के उसको पॉसिबल जिस है, ठीक है? इसका यूज करके आप कैसे कि आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो ठीक ऑब्जेक्ट बना सकते हो फंक्शन की वर्ड का ही यूज करके ठीक बट द थिंग इज एकमा स्क्रिप्ट के जो नए स्टैंडर्ड आई थिंक टू थाउजेंड फिफ्टीन में जो आया था फिर उससे भी पहले आई एम नॉट श्योर बट उसमें आप क्लास की का भी यूज कर सकते हो ये सेम चीजें फॉलो करने के लिए ये सेम चीज़ें प्रोसेस करने के लिए आप क्लास की का भी यूज कर सकते हो कैसे लेट सी कि मुझे अभी ये दोनों चीजें करनी है तो आप क्या कर सकते हो क्लास एम्प्लॉय ऐसा एक क्लास बना सकते हो क्लास के अंदर आप करली ब्रेसिस में जो भी फंक्शन की बॉडी है वो रख सकते हो एंड सेम चीज जैसे शो डिटेल्स फंक्शन है वैसे यहां पर फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आप डायरेक्टली लिख सकते हो शो डिटेल्स क्योंकि क्लास के अंदर जितनी भी चीजें ब्लॉक में लिखी होती है हो, वो फंक्शन ही होते हैं इसलिए फंक्शन कीवर्ड एक्सटर्नली यूज करने की जरूरत नहीं आती एंड डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो आप जो भी मैसेज आपको लिखना है वो ठीक तो यहां पर कर देते इसको एज इट इज और ये चीज कमेंट कर देते हैं एंड इन चीजों को नीचे रख देते हैं ठीक है पहले फंक्शन का यूज करके कर रहे थे अभी क्लास की वर्ड का यूज करके ठीक करते फिर से रन करते हैं ठीक आई एम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट सेम चीज है सेम चीज है पॉसिबल है बाय यूजिंग क्लास की वर्ड ओके अब ये जो डेटा है ये डेटा अगर मुझे यहां पर भेजना है तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर जो लोग बैकग्राउंड मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से तो उन लोगों को आइडिया होगा सो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा यहाँ पर इनिशियलाइज करेगा जो भी वैल्यूज हम पास कर रहे हैं और इसके लिए एक्सटर्नली हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आपको एक्सटर्नली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब भी आप न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हो उस समय वो कंस्ट्रक्टर इस पर्टिकुलर ऑर्गुमेंट्स के साथ कॉल हो जाता है ठीक है उस समय वो कंस्ट्रक्टर पर्टिकुलर ऑर्गुमेंट्स के साथ कॉल हो जाता है सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आईडी नेम एंड सैलरी ये तीन चीजें मैं चाहता हूं कि ये पूरे ऑब्जेक्ट लेवल पे मतलब ये पूरा क्लास का जो स्कोप है वहां पर वो अवेलेबल रहे तो दिस डॉट ई एम पी आई डी इक्वल्स टू आई डी ठीक है लोकल वाला हमने ग्लोबल वाले को दे दिया दिस डॉट लेट्स नेम इक्वल्स टू यहां पर एन एम की वैल्यू डाल दी एंड दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सेल ठीक है लोकल वाला लोकल में डाल दें, और यही तीन चीजें मैं यहाँ पर अभी प्रिंट करने का ट्राई करूंगा ई एम पी आई डी इसको बैक कोड के साथ यूज करते हैं, करतेम पी आई डी ठीक वैसे ही एक टैब दे देते स्लैश टी एंड उसके बाद हम प्रिंट करते हैं म डॉलर दिस डॉट नेम सिमिलरली स्लैश टी सैलरी ठीक सैलरी के लिए डॉलर दिस डॉट सैलरी ओके अभी सेव करते हैं लेट्स ट्राई टू एक्सिक्यूट इट वन मोर बैंक सो यू कैन सी ये प्रॉपरली अभी शो कर रहे हैं और इसका आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो गए इट्स नॉट नेसेसरी एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है जितने चाहे उतने आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो ठीक कॉपी टू सेकंड आईडी फिफ्टी फाइव के एंड लेट्स सी कि ये एग्जीक्यूट होता है तो यू कैन सी उसका भी रिकॉर्ड यहां पर प्रॉपरली शो कर रहा है ठीक तो हमने यहां पर क्या किया फंक्शन का यूज करके ऑब्जेक्ट बना के देखा ठीक है क्लास बना के ने के बाद ऑब्जेक्ट बनाया एंड क्लास की वर्ड का यूज करके भी हमने ऑब्जेक्ट और दोनों वैसे भी ये चीजें गाइस एग्जीक्यूट हो सकती है आपका कोई भी चीज यहां पर डिफरेंट नहीं है हाँ द ओनली थिंग इज कि यहां पर कीवर्ड्स थोड़े डिफरेंट आपको यूज करने हैं व्हेन यू आर यूजिंग स्टैंडर्ड लेटेस्ट एकमा स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप क्लासेस बना रहे हो तो ठीक अब कंसेप्ट यहां पर आता है कंसेप्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेजर पिलर्स या फिर माइनर पिलर्स तो मेजर पिलर्स का हम कंसेप्ट यहाँ पर देखेंगे हम हमने दो चीजें एक्चुअली यहाँ पर देखी है बट उसका थोड़ा थेरी पार्ट भी देख लेते हैं व्हाट वी हैव सीन एनकेप्सुलेशन एनकेप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि बाइंडिंग डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन एंड पुटिंग इट टूगेदर इन लेट से ब्लॉक ठीक है इस तरह से हमने ब्लॉक में रख दिया डेटा मेंबर्स जैसे ये डेटा मेंबर्स हो गए ये पी आई डी नेम सैलरी एंड उसके मेंबर फंक्शन उसके ऊपर हमने कुछ फंक्शन बनाए तो ये सबको अगर आप बाइंड करके रखते हो किसी एक करली ब्रेसेस के अंदर तो उसको हम इन बोलते हैं एक तरह से जैसे आप कैप्सूल के अंदर कुछ कंटेंट उसके अंदर रख देते हो थोड़े अलग अलग कलर के दाने होते हैं देखो भाई कैप्सूल के अंदर जो ट्रांसपेरेंट कैप्सूल होती है तो वही चीजें यहाँ पर हो रही है एंड ये पर्टिकुलर चीज से सिर दर्द से रिलेटेड है पेट दर्द से रिलेटेड कैप्सूल है तो वो कैसे वो अलग अलग कलर के दाने रहते हैं लेकिन फिर भी वो कंबाइन करके रखते हैं हम एक ही जगह पर ताकि वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए यूज हो वैसे ही अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ है तो मैं उसको करली ब्रेस में रख दूंगा मॉड्यूलराइज करके रख दूंगा एक सेपरेट एंटिटी के जैसा उसको ट्रीट करूंगा ठीक अगर कोई लेडेंट uh, से स्टूडेंट से रिलेटेड कोई चीज है तो उसको अलग क्लास में रखूंगा कोई सर्कल से रिलेटेड चीज है उसको अलग क्लास में रखूंगा, से related, अलग क्लास में रखूंगा। उससे के सा तो एक ही बार लिखा बट मैं ऑब्जेक्ट जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ उससे ठीक तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है अगर आप उसको क्लास बना लेते हो और एनकेप्सुलेट करके रखते हो कैप्सुलट ये वाला टर्म याद रखना सेकंड चीज यहां पर दी हुई है एब्स्ट्रैक्शन आप चीज बट यहाँ पर बताना चाहता हूँ हम हमेशा ही यूज करते हैं जब भी हम कॉलेज में रहते हैं कोई अगर प्रैक्टिकल है मेरा uh, say, uh, कोई अगर मेरा प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन हमारा कैसा पंद्रह से बीस स्लाइड का हो सकता है बट द थिंग इज एक रफ आपको आइडिया देना पड़ता है अपने सर को या मैम को कि ये पर्टिकुलर चीज मैं प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूं तो हम उस पेज को जो छोटा सा पेज रहता है जो बेसिक आइडिया देता है उसको हम क्या बोलते हैं उसी चीज को हम बोलते हैं ठीक है तो एनालॉजी में इस तरह से आप याद रख सकते हो द थिंग इज कि जो चीज बेसिक आइडिया देती है इट्स नॉट ने अभी वो सर को पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बताने की जरूरत है क्या नहीं सर को बेसिक आइडिया भी दे दिया आपने तो भी चल जाता है सिमिलरली कोई पर्सन अगर गाड़ी चलाना सीखना है ठीक है से अगर किसी को स्कूटी सीखना है किसी को अगर आ, ये बाइक सीखना है तो बाइक सीखने के लिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है वॉट यू नीड टू डू आपको सिर्फ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जैसे एक्सलेटर प्रेस करने से क्या होता है क्लच प्रेस करने से क्या होता है गियर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है आ, गाड़ी बंद करने के लिए ब्रेक का यूज करना चाहिए या पैरों का यूज करना चाहिए ठीक है ये सारी चीजें गाइस आप लोगों को आनी चाहिए बेसिक चीजें बट आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि क्लच दबाने के बाद कितना ऑयल लीक होता है कैसे क्या वहां पर गियर चेंजेस कैसा मैकेनिकली इंटरनली वो चेंज होता है पेट्रोल कितना ये जाता है जब भी मैं गियर चेंज करके एक्सलेटर देता हूं ये डिटेल में पता होने की जरूरत नहीं बस आपको प्रेस करना है एंड बाइक चलानी है इतना चीज सीखना है ठीक तो बेसिक आइडिया आपको हो जाना चाहिए तो आप वहां पर एक तरह से क्या कर रहे हो एब्सन इम्प्लीमेंट कर रहे हो एंड ऑन दी अदर हैंड जो पर्सन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके या फिर जो मैकेनिक रहता है, गाड़ी बना रहा है, है, वो है लेकिन गाड़ी बनाते कैसे वो चीजें गैस ठीक है उस पर्सन को जो उस चीज को एनकेप्सुलेट करके रख रहा है अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं एब्सट्रेक्शन मतलब हाइडिंग डेटा बट हाइडिंग डेटा किससे यूजर से अब यहाँ पर तीन टाइप के यूजर्स होते हैं गैस और लोग यहाँ पर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से यूजर से डेटा हम हाइड करके रख रहे हम तो यूजर से हमेशा ही हाइड करके रखते हैं ना गाई? ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट एंड यूजर को दिखाते हैं बट यहां पर यूजर थोड़े अलग लेवल के यूजर है फर्स्ट यूजर वो यूजर है जो इस चीज को बनाता है फर्स्ट यूजर जो वो यूजर है जो इस चीज को बनाता है फॉर एग्जाम्पल कंसोल कंसोले डॉट लॉग इस फंक्शन के अंदर बहुत तो सारी चीजें लिखी हो सकती है कि कंसोल में कैसी चीजें प्रिंट करनी चाहिए इनपुट आउटपुट डेस्कटॉप के ग्राफिक्स कार्ड के साथ कैसे मैं आ, बात करनी चाहिए ड्राइवर के साथ विजुअल ड्राइवर के साथ कैसे बात करनी चाहिए वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई होगी ठीक तो ये जो काम किया है ये एक्चुअली जावा जिसने बनाया है ठीक है जो जावासक्रिप्ट के डेवलपर से उसने बनाया है वो चीज ठीक तो इसके लिए अभी ये इनकेप्सुलेट करके रखा है इसने ये सारी चीजें बट दूसरे साइड में हम लोग जैसे डेवलपर है ठीक है हम क्या है डेवलपर है एक्चुअली आईओ एस डेवलपर जावासिप्ट डेवलपर हम बोलते हैं अपने आप को बट एक्चुअल डेवलपर तो ये है हम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है गाइज इस इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमें क्या पता होना चाहिए कंसोल डॉट लॉक का यूज करके कंसोल डॉट लॉक का यूज करके कोई तो भी हम स्ट्रिंग मैसेज या फिर ऑब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं और वो स्क्रीन पे दिखता है क्या मुझे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्या कोड लिखा हुआ है इसके अंदर नहीं गाइज वो चीज हमें पता होने करने की जरूरत नहीं है तो हमसे ये सारी चीजें हाइड करके रखिए हम इसके लिए हम यूजर हो गए ठीक और हमारे लिए एंड यूजर भी एक हो सकता है एक थर्ड टाइप ऑफ यूजर होता है जो एंड यूजर होता है जिसको क्या करना है सिर्फ ऐप को कैसे यूज करना है ठीक वो वेबसाइट को कैसे यूज करना है वो वेब सर्विस को कैसे यूज करना है सिर्फ इतना ही आइडिया होना चाहिए इसको ये पता होना चाहिए कितने कंसोल डॉट लॉग लिखे हैं क्या क्या, -क्या चीज है ये चीज को पता करने की जरूरत ही नहीं है ये थर्ड टाइप ऑफ यूजर है और इस यूजर को बोलते हैं हम एंड यूजर जो सॉफ्टवेयर एक्चुअली यूज करने वाले तो तीन टाइप के यूजर्स है तीनों अपने अपने लेवल पे एब्सट्रेक्शन और एनकेप्सुलेशन कर रहे हैं ये एक्चुअली एनकेप्सुलेट कुछ भी नहीं कर रहा है ठीक बट ये सारे लोग एनकेप्सुलेट कर रहे हैं ठीक अब ये यूजर का भी एक आगे का यूजर हो सकता है ठीक हो सकता है कि ये एक एडमिन यूजर हो सकता है और ये अपने एम्प्लॉयज के लिए इसने एक एप्लीकेशन में सेटअप करके रखा है ठीक तो ये भी फिर एंड टू एंड यूजर ठीक है ये एक्चुअल यूजर बोल सकते हैं ठीक और ये फिर एंड यूजर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आ, लेट से आ, बस बनाई है ठीक है किसी ने बस बनाई है तो उसने एनकेप्सुलेट करके रखा है ठीक अब वो आपके कॉरपोरेशन वाले लोग जो भी रहते हैं वहां के लोग क्या करते हैं उस चीज को लेकर आते हैं और वहाँ पे उसको उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है जे एन जो भी मैसेजेस वगैरह लिखना है वो सारी चीजें कर ली अब बस ड्राइवर जो रहता है वो यूजर रहता है उस बस का ठीक है उसको पता नहीं है कि इंटरनली क्या क्या चीजें की है इन लोगों ने बट उसको बस चलाना आता है एंड एंड यूजर वो हो सकता है जो उस बस में बैठा हुआ है ठीक है वो पर्सन जो बस में बैठे हुए हैं वो एंड यूजर्स हो सकते हैं उसके एक्चुअल जो वो बस में बैठ के उसकी सर्विस यूज कर रहे हैं ठीक तो अलग अलग लेवल पे गई अलग अलग यूजर हो सकते हैं और वो अपने अपने लेवल पे इनकेप्सुलेट कर रहे हैं और अपने अपने लेवल पे एब्सट्रेक्शन यूज कर रहे हैं इज दिस कंसेप्ट क्लियर गाइज हमें हाइट डेटा करना

Encapsulation, abstraction का आप कुछ ऐसा मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो क्या क्योंकि जब भी मैं इसके आंसर देता हूं हमेशा मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ सो वन ऑफ गाय एक्सप्लेन इट इट वेरी वेल कि आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो चीज किसी को नहीं पता उसके मतलब फंक्शन में क्या लिखा हुआ है हमें सिर्फ इतना पता है उसमें स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो वो चीज प्रिंट होती है तो वो हाइड करके रखा है उसने अंदर का लॉजिक हमारे लिए ठीक आप क्या कर सकते हो अभी आपका सिलेक्शन हो गया बोले अगर कंपनी में आप चले गए एनएसी के अंदर एनएसी बीएससी में आप डेवलपर बन गए तो आप क्या करोगे एकदम कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख के रखोगे जो भी है कमीशन वगैरह निकालने का स्टॉक बेचने के बाद फिर आप क्या करोगे ये ग्रो ऐप जैसे है ठीक है फिर बाद में जीरो द ऐप है उनको ये क्या कर सकते हो वेब सर्विसेज दे सकते हो या फिर उनको ये फंक्शंस दे सकते हो क्लास फाइल बना के तो वो लोग क्या रहेंगे वो लोग के जैसा सिर्फ उस चीज को यूज करेंगे उनको पता नहीं रहेगा तुमने कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख के वहां पर दिया है उनको उनका तो काम सिर्फ इतना है कि गेट कमीशन या फंक्शन कॉल करना है उसमें अमाउंट पास करके सो so, वहां पर आपका आ जाता है वाला पार्ट जो आपने लिखा हुआ है और आगे वाला कोई भी डेवलपर अगर उसको यूज कर रहा है सिर्फ यूज कर रहा है उसको पता नहीं है इंटरनली क्या लिखा है बट तो वो पर्सन अपने लेवल पे एब्सन इंप्लीमेंट कर रहा गेटिंग इट गाइस चलो तो वो मोस्ट ऑफ द केस में एक्सेप्टेबल uh, है तो उसके बाद फिर इंटरव्यूज भी क्लियर होना स्टार्ट हो गए थे तो आप लोग भी ट्राई करके देखोगे अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग भी वहां पर आंसर पूछो ठीक एंड जस्ट गिव मी दैट आंसर तो मैं कैसे ये आंसर को भी मॉडिफाई कर दूंगा ठीक फॉर फ्यूचर स्टूडेंट ओके चलो नेक्स्ट uh, आपका आता है गाइस यहां पर हाँ नेक्स्ट चीज आता है यहाँ पर पॉलिमोर्फिजम एंड हायर की या फिर इनहेरिटेंस ठीक तो पॉलिमोफिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है ठीक पॉलिमोफिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक ही जगह पर ठीक है एक ही जगह पर आपके अगर दो फंक्शंस ठीक है दो फंक्शंस के नाम अगर सेम रहे ठीक है एक जैसे नाम दो फंक्शंस के रहे तो उस केस में आप पॉलिमोफिज्म बोल सकते हो गए उस चीज को ठीक और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक नाम अनेक काम ठीक है पॉली मतलब एक आ, अनेक ठीक है और फॉर्म्स मतलब उसके अनेक रूप ठीक है तो यहां पर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से चीज देखते हैं कि हम दो फंक्शन बनाएंगे दोनों के नाम एक जैसे रखेंगे लेकिन उसको कॉलिंग जिस तरह से मतलब ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम उसके बेसिस पे जब वो कॉल होगा तब डिसाइड होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा कौन सा नहीं होगा ठीक है वो भी चीज एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं गाइस एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है व्हाट एग्जांपल वी हैव एक बैंक का एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देता हूँ शायद कुछ लोगों के लिए रिपीट हो रहा होगा सो क्लास बैंक ठीक है बैंक में एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर बैंक ठीक है और दिस डॉट बैलेंस में वो बैलेंस ऐड करके रखते हैं, और इसको कर देते हैं एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर शो बैलेंस ठीक है जिसमें कि वो अवेलेबल बैलेंस शो करेगा कंसोल डॉट लॉक और इसके बाद प्लस सिंबल दिस डॉट बैलेंस ओके अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं बनाता है बी इक्वल्स टू न्यू बैंक ठीक है एंड यहां पर इनिशियल बैलेंस डाल देते थाउजेंड रुपीज ओके कंसोल डॉट लॉक कंसोल डॉट करने की जरूरत है ऊपर हमने किया बी डॉट डायरेक्ट में बोलता हूँ शो बैलेंस ठीक है सेव करते, करते है इसको एग्जीक्यूट कैन सी कि अवेलेबल बैलेंस वो शो कर रहे हैं ठीक अब एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर ठीक एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम डिपॉजिट ठीक है डिपॉजिट अमाउंट कुछ तो भी अमाउंट हम डिपॉजिट कर तो दिस डॉट जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस रहेगा उसमें हम उसमें हम क्या कर देंगे जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसमें अमाउंट हम ऐड करेंगे जो भी अमाउंट पास कर रहे हैं तो शो बैलेंस के बाद हम बी डॉट डिपॉजिट ये फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें हम फाइव हंड्रेड रुपीजिट करेंगे एंड बी डॉट फाइव हंड्रेड रुपीज डिपॉजिट करने के बाद फिर से हम शो बैलेंस करके चेक करते हैं कि फिफ्टीन हंड्रेड वहां पर शो करता है क्या ठीक एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू कैन सी अवेलेबल बैलेंस इज फिफ्टीन हंड्रेड आफ्टर डिपॉजिट ठीक अब नेक्स्ट चीज क्या आती है यहां पर कि ये कोड मुझे रीयूज करना है ये कोड मुझे रीयूज करना है तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का क्या बोलता है कि आप कोई भी कोड को अगर रीयूज करना है तो आप अपने अगर नाम से क्लास बनाना चाहते हो तो क्लास बना लो फॉर एग्जाम्पल मैं एस बी आई बैंक ऐसा एक क्लास बनाता हूँ एंड इसके अंदर वो सारे फीचर्स यूज कर सकता हूं जो भी टॉप से आए हैं तो इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ दिस बैंक अब मैं चाहता एस बी आई बैंक नाम से ये ऑब्जेक्ट बने ठीक है एस बी आई बैंक का ऑब्जेक्ट बने सेव करते हैं एंड पहले डायरेक्टली रन करके देखते हैं लेट्स सी व्हाट एरर वी आर गेटिंग तो यहाँ पर कोई functions करें नहीं है बट मैं अभी सारी की सारी चीजें टॉप से यूज करना चाहता हूँ जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कोड है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्सटेंड्स की वर्ड का यूज करेंगे जैसे कि हम जो भी क्लास है उसकी फंक्शनिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं ठीक यहाँ पर मैं बैंक को एक्सटेंड कर रहा हूँ या फिर बैंक के सारे फीचर्स हम एस बी आई में डाल रहे हैं थीक? अब फिर से इसको एग्जीक्यूट एरर प्रॉपरली चल रहा है, चल रही है कि दो फंक्शन के नाम सेम रहेंगे तो हम क्या करते हैं एक्सटेंड करने के वक्त उस क्लास की फंक्शनिटी को एक्सटेंड करने के वक्त व्हाट वी आर गोइंग टू डू हम यहां पर बना देते हैं ठीक एक और डिपॉजिट फंक्शन एक और डिपॉजिट फंक्शन यहां पर बना देते हैं बट यहाँ पर जब डिपॉजिट हो रहा है तो उस समय मैं चाहता हूं कि फिफ्टी रुपीज ठीक है फिफ्टी रुपीज चार्जेस भी कटे ठीक है फिफ्टी रुपीज चार्जेस भी कटे जब एसबीआई में डिपॉजिट कर रहे हैं तब हम चाहते हैं कि एसबीआई कुछ पैसा वहां पर ले ले जो कि एक्चुअली करता भी है कोई अगर एस का एम्प्लॉय होगा कहीं हार्ट मत होना बट मेरे बहुत सारे पैसे कटे थे डिपॉजिट करते थे ट्वेंटी थ्री रुपीज वगैरह ऐसे कटे थे ठीक तो अभी यहाँ पर हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू कैन सी कि दो फंक्शन है नाम के दो फंक्शन है, है एसबीआई okay? का ऑब्जेक्ट बनाता, बनाता, बनाता हूं तो उस केस में फिफ्टी रुपीज एक्स्ट्रा कट हो रहे बट अगर मैं एसबीआई का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता और नॉर्मली सिर्फ बैंक का ऑब्जेक्ट बनाता हूं ठीक है नॉर्मली सिर्फ बैंक का ऑब्जेक्ट बनाता, बनाता हूं तो वहां पर वो दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जो उसका खुद का है ठीक तो ये दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज गाइस पॉलीमॉर्फिज्म और यहाँ पर इसी सेम को जो हमने मल्टीपल क्लासेस में सेम नाम से फंक्शन बनाया उस चीज को बोलते गाइस मेथड ओवर राइडिंग ठीक है मैंने ओवर राइड कर दी उसकी डेफिनेशन दोनों भी देखो दोनों भी मेथड में अलग अलग डेफिनेशन है यहाँ पर देखो फिफ्टी वाला पार्ट नहीं है यहाँ पर फिफ्टी वाला पार्ट है तो दैट्स हाउ यू कैन से कि हमने ओवर राइडिंग को अचीव कर लिया यहाँ पर इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट देखा जिसका यूज जिसका मतलब क्या है कि एक अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्लास है एग्जिस्टिंग क्लास है और उसको उसकी फंक्शनिटी को या तो आपको बढ़ाना है या फिर एज इट इज किसी और क्लास में यूज करना है तो आप एक्सटेंड्स की वर्ड्स का यूज करके उसको यूज कर सकते हो गाइस ओके सो यू कैन इंप्लीमेंट बोथ थिंग्स एक तो यहां पर इनहेरिटेंस भी हो गया भी हो गया ठीक है इन डेप्थ इन डेप्थ इसका बहुत एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम जहां पर मैं चाहूंगा कि वर्कशॉप जैसा हो आप लोग भी ऑनलाइन जितने मेंबर्स हैं वो प्रैक्टिस भी करो मेरे साथ ठीक है इन फ्यूचर जब भी वो सेशन रहेगा डेफिनेटली इन्फॉर्म यू गाइस बट अभी के लिए जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स इफ यू यू हैव गॉट आइडिया what is what inheritance is and what is polymorphism or method overriding theek hai itna bhi agar idea aa gaya hoga is theoretically bhi aa gaya hoga to bhi aap confirmation de sakte ho in the chat box is it clear guys okay Sameer parmanand sani saying yes okay guys uh, main dono bhi files uh, aapko share kar dunga guys ये जो documentation की link है ये भी आपको share कर दूंगा ठीक आप लोग ये सारी चीजें एक बार फिर से try करके देखिए ठीक है सभी के सभी प्रैक्टिकली ट्राई करके देखिए यूट्यूब पे दो, दोस आर वाचिंग ऑन यूट्यूब आप भी इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखिए एंड अच्छे से इंटरव्यू में इसका आंसर दे दीजिए जो भी मैंने आपको बातें बताई उसमें आप मॉडिफाई करके भी बत, बता सकते हो एज पर योर प्रैक्टिस आप जो भी चीजें ऑब्जर्व करते हो वो सारी चीजें वहां पर आप शेयर कर सकते हो एट द टाइम ऑफ गिविंग आंसर एट द इंटरव्यू एंड Uh, अगर आप प्रैक्टिकली करोगे ये सारी चीजें तो आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट रहोगे बट जस्ट थे आप करके जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पर एक्सप्लेन करना ठीक तो वन टाइम बहुत ही छोटे छोटे कोड है पंद्रह बीस लाइन के कोड है ये आप खुद से ट्राई करके देखो ठीक है पीपल हु आर ऑन यूट्यूब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल आइकन को भी प्रेस करना है मतलब आपको अगर फ्यूचर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ठीक दिस इज द लास्ट डे ऑफ ईयर 2023 गाइस हमने इस साल में बहुत सारी चीजें की है ये सीरीज को भी काफी अच्छे से रिस्पॉन्स मिला है ठीक तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो ठीक है आप लोग भी शेयर करके रखिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड जितना हो सके उतना चीजें आप प्रैक्टिकली ट्राई करके देखिए एंड अभी दो तीन महीने जो भी जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं सो डेफिनेटली आप लोगों को इस सीरीज से फायदा हुआ होगा तो आपके इंटरव्यूज भी क्लियर हो जाएंगे एंड सभी लोगों को जॉब लग जाएगी गाइस ठीक है डोंट वरी ठीक आप प्रैक्टिस करते रहिए प्रैक्टिकल करते रहिए ठीक है थीके? जैसा कि अम्म थ्री डेट्स में कहते कहता है वो रणछोड़ दास की काबिल बनो काबिल कामयाबी तो झक मार के फिर पीछे आनी ही है ठीक है हमारा काम है हंड्रेड परस यहाँ पर देने का ठीक है और थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो तो जस्ट थोड़ा सा रिवर्स करके देखना कि हंड्रेड परसेंट दिया था क्या उस चीज को बट अगर आपने हंड्रेड परसेंट दिया है और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो समझ लेना की कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ है ठीक है स्टे पॉजिटिव बी पॉजिटिव गाइस ठीक तो सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा डोंट वरी आप अपनी तरफ से अपना हंड्रेड देते रहिए चलो गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड सेफली ड्रिंक है ड्राइव मत करना अगर बाहर जा रहे हो तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो इफ पॉसिबल ठीक है possible, और सभी को नए साल की शुभकामनाएं एंड हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस ओके चलो थैंक यू सी यू बाय